ममता एक माई को तीन बोल दिखा था केहू कलेक्टर बा केहू डॉक्टर बा डीओ हो सकेला केहू राजनेता बा लेकिन देखे के मिलेला दीनानाथ भैया कि ओ माई की महिमा के कुछ लोग भूला जाता बहुत कुछ कुछ भूला जाता। मेरे गाने का मतलब नहीं मैं कुछ भी गा दूं कुछ भी गा के चला जाऊं, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मैंने बेटियों के लिए गाया तो लोग रो रहे थे। मैं माँ की बातें कर रहा हूँ गाऊंगा ना तो लोग याद रखेंगे। राकेश तिवारी कोई जौनपुर का था कुछ माँ के लिए गाया तो मैंने एक गीत विश्व की सभी माँ को मैं समर्पण करता हूँ और हमारी बहनों के आचरण में मैं चाहूंगा दोनों हाथ में उठा के मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मेरी बहन दोनों हाथ में उठा के आप लोग इस गीत को आप लोग भी सुने बड़े ध्यान से बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। ऋतिक भैया मैं निवेदन करूंगा बैठने के लिए, आप संगीत प्रेमी हैं बहुत स्नेह देते हैं हर कलाकारों को आपका पूरा टीम। हमरे माई जैसन भैया बैठ जाइए आप लोग भी कि हमारे माई जैसन के किलो के माई नहीं बा अधागा हुई जिकरा के माई नहीं बा अधागा हुई जिकरा के माई नहीं बा हमरे माई जैसन केलो के माई नहीं बा हमरे माई जैसन केलो के माई नहीं बा तू तो भाता होई जेके रात के माई नहीं बा तू तो भाता होई जेके रात के माई नहीं बा हमारे बीच में आदरणीय जयमाला नाढ़वे से माई हमके बिकवा लगाए चूम चाटे हमके गरबा लगाए गरबा हमारी बहनें मैं जानता हूँ मैं जहाँ भी इस गीत को गाता हूँ ना लोग रोने लगते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरता है और रोना भी चाहिए पवित्र हो जाता है माँ बेटे का माँ बेटे का रिश्ता हरे ना ढमे से माई हमके टिकवा लगावे चूम चाटे हमके गरबा लगावे गरबा लगावे हे बकरे ओकर दुधवा जैसा माई के दुधवा माँ
तेरे प्यार माँ तेरे प्यार की कुछ ऐसी मैं कहानी लिखी तू। आज सुरेंद्र भैया भी सोचती है, हमारी बहन जो रो रही है वो भी सोचती होगी कि माँ तू मेरे साथ तो नहीं है लेकिन तेरी आवरण तेरी परछाई में मैं जी रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ बहन आपके दिल की बात। माँ तेरे प्यार की कुछ ऐसी मैं कहानी लिखी तू। माँ तेरे प्यार की कुछ ऐसी मैं कहानी लिखी तू। लिखी कलम से अपनी जिंदगी लिखी तू।